नमस्कार साथियों, जन सरोकार मंच को हार्दिक आभार कि आज कविता के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला। पहले एक कविताओं की एक श्रृंखला सी मैंने रचने का प्रयास किया था कि कई बार अक्सर करके हम महिलाएं दूसरों के दृष्टिकोण से अपने आप को देखती हैं और अपना दृष्टिकोण अलग रखती है और कुछ तो भी एक अजीब सी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ये काव्य श्रृंखला है, मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत रख रही हूँ। उसे 6 अलग अलग कविताएं भी समझ सकते हैं और एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध कविता के रूप में भी आप समझ पाएंगे। तो इस कविता का जो शीर्षक दिया है वह है चेहरा एक अक्स अनेक। जी हाँ, चेहरा एक अक्स अनेक। मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर आईने में अपना चेहरा देखती हूँ। मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर आईने में अपना चेहरा देखती हूँ। मुझे दिखाई देता है शालीनता की चादर ओढ़े परिवार के साथ आगे बढ़ने को आतुर साफ सुथरा चेहरा। मुझे दिखाई देता है शालीनता की चादर ओढ़े अपने परिवार के साथ आगे बढ़ने को आतुर साफ सुथरा चेहरा। ढेर सारे सपने पूर्ण करने की जिजीविषा साथ लिए, ढेर सारे सपने पूर्ण करने की जिजीविषा साथ लिए झील सी गहरी आंखें और अनेकानेक प्रश्न चिन्हों को दंत पंक्ति में भीतर दबाए कोमल सजीले होंठ। मुझे दिखाई देती है झील सी गहरी आंखें और अनेकानेक प्रश्न चिन्हों को दंत पंक्ति में दबाए कोमल सजीले होंठ और लगातार नकारे जाने व स्त्रीत्व पर प्रहार सहने को सक्षम समर्थ कान। लगातार नकारे जाने व स्त्रीत्व पर प्रहार सहने को सक्षम समर्थ कान। मैं मुस्कुराकर अपना स्वागत करती हूँ, मैं मुस्कुराकर अपना स्वागत करती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ आईने को धन्यवाद देकर। मैं मुस्कुराकर अपना स्वागत करती हूँ और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हूँ आईने को धन्यवाद देकर। अगली अगली पंक्ति, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन महिमा के गुणगान के साथ, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन महिमा के गुणगान के साथ अपने पुत्र को जगाने का उपक्रम करती हूँ। मैं प्रातःकालीन महिमा के गुणगान के साथ अपने पुत्र को जगाने का या उठाने का उपक्रम करती हूँ। वह झल्लाते हुए मुझे आईना दिखाता है, वह झल्लाते हुए मुझे आईना दिखाता है जिसमें मुझे दिखता है जाहिल गवार कर्कश स्त्री सा अपना बुढ़ाता चेहरा। जिसमें मुझे दिखाई देता है जाहिल गवार कर्कशा स्त्री सा अपना बुढ़ाता चेहरा। मैं घबराकर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती हूँ, मैं घबराकर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ समय के साथ कदम ताल करते हुए ना कर पाने की मजबूरी को साथ लेकर। मैं घबराकर अपना चेहरा हाथों से ढक लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ समय के साथ कदम ताल ना कर पाने की मजबूरी को साथ लेकर। मैं आगे बढ़ जाती हूँ कदम ताल के जो समय के साथ कदम ताल है उसको ना कर पाने की मजबूरी को साथ लेकर। तीसरा दृश्य, मैं प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व पतिदेव को जगाकर, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व पतिदेव को साथ जगाकर प्रातःकालीन भ्रमण की इच्छा जताती हूँ। मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व पतिदेव को साथ जगाकर प्रातःकालीन भ्रमण की इच्छा जताती हूँ। वो झुंझलाकर मुझे आईना दिखाते हैं, वो झुंझलाकर मुझे आईना दिखाते हैं जिसमें मुझे दिखाई देता है
शक्की, खबती, दुष्टा, पिछ लगू सा बासी झुर्रियों भरा अपना चेहरा, जिसमें मुझे दिखाई देता है शक्की, खबती, दुष्टा, पिछलग्गू सा बासी झुर्रियों भरा अपना चेहरा। मैं शर्मसार हो आंचल में अपना चेहरा समेट लेती हूँ, मैं शर्मसार हो आंचल में अपना चेहरा छुपा लेती हूँ और बढ़ जाती हूँ अपने कर्तव्य पथ पर, और बढ़ जाती हूँ अपने कर्तव्य पथ पर आंसुओं के समंदर में हाथ मुंह धोकर, मैं बढ़ जाती हूँ अपने कर्तव्य पथ पर आंसुओं के समंदर में अपने हाथ मुंह धोकर। चौथा दृश्य, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बिटिया रानी को दूध पकड़ाकर, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बिटिया रानी को दूध पकड़ाकर सहयोगी सहगामी अभिलाषा बतलाती हूँ, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बिटिया रानी को जगाकर दूध पकड़ाकर सहयोगी सहगामी अभिलाषा जतलाती हूँ। वो इतराकर मुझे आईना दिखाती है, वो इतराकर मुझे आईना दिखाती है जिसमें मुझे दिखाई देता है, वो इतराकर मुझे अपना आईना दिखाती है जिसमें मुझे दिखाई देता है खड़ूस, कामचोर और डब्बू सा दक्यानुसी मुरझाया चेहरा, जिसमें मुझे दिखाई देता है खड़ूस, कामचोर, डब्बू सा दक्यानुसी मुरझाया चेहरा। मैं सहम कर अपना चेहरा नोच लेती हूँ, मैं सहम कर अपना चेहरा नोच लेती हूँ और बढ़ जाती हूँ छत पर, और बढ़ जाती हूँ छत पर अश्रुधाराओं से अपना चेहरा धोकर, मैं बढ़ जाती हूँ छत पर अश्रुधाराओं से अपना चेहरा धोकर। पांचवा दृश्य, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सासू माँ को चाय की प्याली पकड़ाकर, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सासू माँ को चाय की प्याली पकड़ाकर अपनी अध्ययन सामग्री समेत खुली हवा में टहलना चाहती हूँ, मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सासू माँ को चाय की प्याली पकड़ाकर अपनी अध्ययन सामग्री समेत खुली हवा में टहलना चाहती हूँ। वो मुझे जल भुनकर आईना दिखाती हैं, वो मुझे जल भुनकर आईना दिखाती हैं, जिसमें मुझे दिखाई देता है, जिसमें मुझे दिखाई देता है कपटी, कुल्टा, बेगैरत, शूर पंखा सा अपना चेहरा, जिसमें मुझे दिखाई देता है कपटी, कुल्टा, बेगैरत, शूर पंखा सा अपना चेहरा। मैं डर कर अपना चेहरा अपने तकिए में छुपा लेती हूँ, मैं डर कर अपना चेहरा अपने तकिए में छुपा लेती हूँ और जुट जाती हूँ आटा तेल नून में, और जुट जाती हूँ आटा तेल नून में तकिए को ही अपना हमदर्द बनाकर, और जुट जाती हूँ आटा तेल नून में तकिए को ही अपना हरदम हमदर्द बनाकर। छठा दृश्य, छठी रचना, मैं सूर्योदय से पश्चात, मैं सूर्यास्त के पश्चात, सॉरी, मैं सूर्यास्त के पश्चात चंदा की शीतलता के साथ आईने में पुनः अपना चेहरा देखती हूँ, मैं सूर्यास्त पश्चात चंदा की शीतलता के साथ आईने में पुनः अपना चेहरा देखती हूँ। कुछ स्वप्न पूर्ण होने का सुख, कुछ स्वप्न पूर्ण होने का सुख और कुछ अपूर्ण रह जाने का दुख, कुछ स्वप्न पूर्ण होने का सुख और कुछ अपूर्ण रह जाने का दुख। निराशाओं के घनघोर बादलों में, निराशाओं के घनघोर बादलों में कुछ स्वप्न पूर्ण होने की आशा, निराशाओं के घनघोर बादलों में कुछ स्वप्न पूर्ण होने की आशा, साथ लिए वही मासूमियत भरा चेहरा, कुछ स्वप्न पूर्ण होने की आशा लिए वही मासूमियत भरा चेहरा मुझे दिखाई देता है, कुछ स्वप्न पूर्ण होने की
आशा साथ लिए मुझे वही मासूमियत भरा चेहरा दिखाई देता है। इतने में काली अंधियारी गहराती है और अन्य परिजनों के आईने में आने वाला मेरा विभत्स चेहरा मुझे मुचड़ाने लगता है। इतने में काली अंधियारी गहराती है और अन्य परिजनों के आईने में आने वाला मेरा विभत्स चेहरा मुझे भूचड़ाने लगता है। अन्य सभी परिजनों के आईने में दिखने वाला मेरा अक्स झूठ है। अन्य परिजनों के आईने में दिखने वाला मेरा अक्स झूठ है या फिर मेरे आईने में मुझे झूठ के दर्शन हो रहे हैं या फिर मुझे मेरे आईने में झूठ के दर्शन हो रहे हैं। इकलौता चेहरा अन्य परिजनों के दिखाए चेहरे के साथ, इकलौता चेहरा अन्य परिजनों के दिखाए चेहरों के साथ घुल मिल मुरझाता चला जाता है। इकलौता चेहरा अन्य परिजनों के साथ दिखाए चेहरे के साथ घुल मिल मुरझाता चला जाता है और मैं घबरा कर आंखें बंद कर लेती हूँ। प्रण करती हूँ अब नहीं देखूंगी मुझे तकलीफ देने वाले आईनों में। प्रण करती हूँ अब नहीं देखूंगी मुझे तकलीफ देने वाले आईनों में। मगर बंद आंखों से सुकून देने वाला आईना भी दिखाई नहीं देता। मगर बंद आंखों से वो सुकून देने वाला आईना भी दिखाई नहीं देता और मैं दुखद स्थितियों से बचने के चक्कर में सुखों से भी वंचित रह जाती हूँ। मैं दुखद स्थितियों से बचने के चक्कर में सुखद स्थितियों से भी वंचित रह जाती हूँ। धन्यवाद। तो यह थी एक काव्य श्रृंखला। उम्मीद है रचना आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।